समझे हम उनके बातों का जवाब हम दे रहे हैं। ये सब बिल्कुल एजेंडा नहीं है, बेकार की बात और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहेंगे? सब क्या रोए हैं, क्या किए हैं, ये हमको जानकारी मिली है। लेकिन भाजपा 17 साल तक बिहार में रही और अभी भी इतना डर लग रहा है तो दिल्ली में कैसे जाते हैं, दिल्ली में क्यों रोड जाते हैं? NCERB का अगर आंकड़ा देखिए तो बिहार से बदतर स्थिति तो आपकी दिल्ली में है। बिहार फिर भी जो है 22वें पायदान पर, टॉप 15 में भी नहीं, लेकिन वो 15 राज्य में जाकर के क्या। रामचरितमानस पे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पे कार्रवाई की मांग के बीच में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सुशील मोदी की बातों का जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि हमने नुपुर शर्मा पे कार्रवाई की, तेजस्वी भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पे कार्रवाई करे। तेजस्वी यादव ने BJP पे निशाना साधते हुए कहा कि कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को खींचते रहेंगे? सब क्या रोए हैं, क्या धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने की समझ गए। हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब बिल्कुल एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। तेजस्वी जी केंद्रीय मंत्री को बोले और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा? ये कोई एजेंडा है क्या? तेजस्वी जी, अश्विनी चौबे को बिहार में डर लग रहा है, कल रोने लगे और बोले हैं कि हम पर सरकार पर हत्या का आरोप लगाया, हत्या का आरोप लगाए हैं कि हम मेरी हत्या करवाना चाहती है। जो हमला हुआ है बक्सर, सब क्या रोए हैं, क्या किए हैं, ये हमको जानकारी मिली है। लेकिन भाजपा 17 साल तक जो है बिहार में रही है और अभी भी इतना डर लग रहा है तो दिल्ली में कैसे जाते होंगे, दिल्ली में क्यों नहीं रोते हैं? NCERB का अगर आंकड़ा देखिएगा तो बिहार से बदतर स्थिति तो आपकी दिल्ली में है। बिहार फिर भी जो है 22वें पायदान पर है, टॉप 15 में भी नहीं है, लेकिन वो 15 राज्य में जाकर के क्या। तो बीच चौराहे पर बैठे हुए थे ना भाई, कहाँ कुछ हुआ? बिहार की छवि जो है वो धूमिल हो रहा है। सब क्या रोए हैं, क्या धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने की समझे। हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते।